अस्सलाम वालेकुम, आज है फ्राइडे। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो होगा आर्म्स का। आर्म्स का वर्कआउट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। अच्छा करें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी जो भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप अच्छा करें। चलें, हम पकड़ेंगे 2 के डंबल और हम बाइसेप के 20 रैप्स करेंगे और उसके साथ ही हम ट्राइसेप को वार्म अप कर लेंगे। ट्राइसेप अच्छा वार्म अप होगा तो बाइसेप की वर्कआउट हमारा ज़्यादा अच्छा लगेगा। 20-20 के हमने बहुत सेट कर लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलें, हमारी है फर्स्ट वर्कआउट। फर्स्ट वर्कआउट में आपने स्मॉल बारबेल पकड़ लेना है, उसके अंदर आपने 5 kg की बोथ साइड पे वेट डाल लेना है। आज हमने जो वर्कआउट करना है वो बहुत ज़्यादा आपने गौर से देखना है कि हमने वर्कआउट किस तरह और किस फॉर्म पर करना है। क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे हम, चलें बॉडी को स्ट्रेट, एल्बो यहाँ पर लॉक, शोल्डर थोड़े से पीछे। अच्छा, आपने ये देखना है बिल्कुल ऊपर आए, स्लो आए, बिल्कुल स्लो और स्लो, बिल्कुल स्लो और नीचे स्लो आएंगे, मैक्सिमम स्लो और स्लो ऊपर। इसी तरह आपने इसके 10 रैप्स करने हैं, कोई स्पीड नहीं दिखाने, बिल्कुल जितना स्लो नीचे आएंगे उतना मसल ज़्यादा एक्टिव होगा, मसल में उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, कोशिश ये करना है कि आपने बिल्कुल स्लो आना। 10-10 के हम इसके 3 सेट्स करेंगे, वेट बिल्कुल नहीं बढ़ाना। जैसे ये 1, 2, 3 स्टॉप, 1, 2, 3 इस तरह आपने इसके 3 सेट्स लगाने हैं। अब हम करेंगे अपनी सेकंड वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट में हम करेंगे ट्राइसेप। ट्राइसेप में आपने 7 प्लेट्स डालनी है और आपने इसको ऊपर से होल्ड करना है। ठीक है, एक हम बाइसेप करेंगे, एक हम ट्राइसेप की वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और जो आपका जो रॉड होगा ना, आपके जो चेस्ट के पास आएगा, ये देखें ये, और बिल्कुल जाकर नीचे जाकर 1 सेकेंड होल्ड करना है और मसल को स्क्वीज करना है। इसके हम करेंगे 12 रैप्स। ऊपर आएंगे बिल्कुल स्लो। आज जो हमने वर्कआउट करना है वो बिल्कुल करना है, हमने जो नेगेटिव फोर्स है उसको हमने रोकना है और बिल्कुल स्लो मोशन में उसको ऊपर रिवर्स करना है हमने। ठीक है, नीचे पुश फास्ट, ऊपर स्लो। इसके हम करेंगे 12 रैप्स और 3 सेट्स करेंगे। अगर तो 7 प्लेट्स में आपको इजीली लग जाता है तो आप वेट बढ़ा लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप सेम वेट ही रख सकते हैं। ये देखें, चलो जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो हम करेंगे बाइसेप की एक्सरसाइज। हम करेंगे क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप में आप लोगों ने उसके जो 5 प्लेट्स डालनी है, 5 या 6 डालने सही है। अब इसको क्लोज ग्रिप करना है, हमने इतना क्लोज करना है कि हमारे जो हाथ हैं वो इस तरह इस ग्रिप इस मोशन में आ जाए, दिखाई जाए इधर आके, ये देखें। और आपकी जो एल्बोज हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ होंगी, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें और स्लो मोशन पर लगाना है आपने। ठीक है, इसके भी हम सेम 10 रैप्स करेंगे, नीचे स्लो। अच्छा, आपने कोशिश करना है, लगे जब आप स्लो लगा रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा पेन और फील हो रहा होगा कि यार मैं बस 6 रैप्स करके छोड़ देता हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। कोशिश करना है कि जितने मैंने रैप्स बोल रहा हूँ आपको, आपने उतना ही लगाने हैं। ये देखें, ऊपर आए स्लो और नीचे भी स्लो और स्लो। ये रेंज ऑफ मोशन में आज जब आप वर्कआउट करेंगे ना, तो उसके बाद मुझे आप बताइएगा आप लोगों को कैसा फील आया। चलें जी, इसके हम 3 सेट्स करेंगे और 10-10 रैप्स करेंगे। अगर तो वेट ईजिली लग जाता है कोई इशू नहीं, आप वेट बढ़ा सकते हैं। हालांकि मुझे जैसे लगता है कि वेट ना ही बढ़ाएं तो आप बिल्कुल स्लो मोशन में जितना उसको टेंशन देंगे मसल को, उतना ज़्यादा मसल बिल्ड होगा और काफ़ी ज़्यादा पंप आएगा। फोर्थ एक्सरसाइज है वो है बार रॉप से करेंगे हम और ओवर द हेड करेंगे। वो कैसे परफॉर्म करना है, कुछ लोग इसको आगे की तरफ लगाते हैं, वो भी ठीक है, बट हम जो आज जो ये वाला जो फॉर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होके, जब आपने रॉप को ऊपर जाना है तो आपने जो हाथ को अपने मूव इस तरह करना है और लॉक करना है, लगा के दिखाएं। 7 प्लेट्स 6 प्लेट्स कर लें और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। चलें, नहीं नहीं स्लो, बिल्कुल स्लो, नीचे स्लो और स्लो और ऊपर भी स्लो हो जाए। ये आपका जो मूवमेंट होगी, इस मूवमेंट पे आपने ऊपर भी स्लो पुश करना है और नीचे भी स्लो करना है। स्लो लगाने से ये होगा कि जो आपकी जो मसल में जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी और मसल टाइट रहेगा, क्योंकि जब आप एकदम नीचे कर देते हैं मसल लूज़ हो जाता है, वो मसल लूज़ नहीं करना, हमने इसको मसल को एक्टिव रखना है, टेंशन में रखना है हमने। चलें, इसके भी हम 10 के 3-3 सेट्स करेंगे। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जितना वर्कआउट है वो स्लो मोशन में होगा, बिल्कुल स्लो। चलें, नेक्स्ट हमारी जो 5th एक्सरसाइज है वो होगी डंबल से। डंबल पे आपने 8 kg के डंबल्स पकड़ लेने हैं और आपने उसको खड़े होकर लगाना है, खड़े कर। चलें, ऐसे शोल्डर पीछे आप लगाएं। अच्छा, जो आपकी जो मोशन है वो बिल्कुल स्लो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आज हमने सारा वर्कआउट स्लो पे करना। अच्छा, इसमें आपने वेट इंक्रीज नहीं करना, 8 के डंबल से ही आपने इसके 10 रैप्स लगाने हैं और स्लो आए ऊपर
स्क्वीज करें, आप लोगों ने ऐसे करना है जैसे आप मसल को अपना शो करवाते हैं ना, जैसे टाइट करके शो करवाते हैं, सेम आपने बाइसेप को वर्कआउट भी स्लो और मसल को स्क्वीज करना, ताकि कि आपको खुद फील हो कि आपका मसल कितना डेवलप हो रहा है। इसके हम 3 सेट्स करेंगे। जो लास्ट वर्कआउट है ट्राइसेप का, वो आपने सिंगल आर्म ओवर द हेड करना है। वो कैसे परफॉर्म करना है, पकड़ें 6 kg का डंबल पकड़ लेना है, हाथ एक जहाँ पर रखना ताकि आपको सपोर्ट मिले, और नीचे और ऑल द वे अप जाएं, ऑल द वे अप जाके उसको लॉक करना है, स्लो डाउन, ठीक है। इसके आपने 10 रैप्स करने हैं। जैसे ये सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने लेफ्ट फला करें, सेम इसके 10 रैप्स करने हैं। इसमें आपने रेस्ट नहीं लेना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपने दूसरा वाला हाथ स्टार्ट कर देना, दोबारा से दूसरा वाला। अब सेम आपने इसी तरह इसके 3 सेट्स कंप्लीट। अपना फोरम का वर्कआउट, फोरम के वर्कआउट में आपने 6 kg डंबल पकड़ लेने हैं और ऑल द वे डाउन आना है, ऑल द वे ऊपर आना है। इसके हमने 20-20 के 3 सेट्स करने हैं। चलो ठीक है, करेंगे लेग रेज। लेग रेज में आपने इस बेंच पे बैठ जाना, थोड़ा सा उसको इंक्लाइन कर लेना है और ग्रिप आपने बिल्कुल पीछे से, लेग्स को स्ट्रेट करना है, आए ऊपर बस, डाउन थोड़ा सा नीचे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं उसको फुल नीचे ज़ोर से करते हैं, उस पर प्रेशर से ऊपर आते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। इस तरह ये रेंज ऑफ मोशन होगी आपकी, ठीक है। इसके आपने 15 रैप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। चलें आप चेंज सेकेंड वर्कआउट एप्स का। इसमें आपने क्रंचेस करना है, मैक्सिमम नीचे आना है और मैक्सिमम ऊपर आना है। आए नीचे, फुल नीचे, यस। चलें, जब आप उन्हें ऊपर जाना है तो अपना ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन। इसके हम 20-20 के 3 सेट्स करेंगे। जब हमारा ये वर्कआउट कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम रनिंग करेंगे, 3 मिनट्स की रनिंग करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।